समस्या ये है कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम दोनों ने जी खुश कर दिया, खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो। चार लाइनें आप लोगों को सुनाता हूँ और सचमुच इतना शानदार आप लोग सुन रहे हैं, अद्भुत सुन रहे हैं। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। पिछले दिनों गुजरात से भी दो लोग परमानेंट दिल्ली रहने लगे, वहाँ पहले से बंद थी। मैं चार लाइनें आपको गा गा कर सुनाऊंगा, आप लोग बस आनंद लेना, लेकिन सचमुच जितना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई निर्भीक को देता हूँ। आज मुझे एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम में, बिहार सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम में गुजरात रहना था, सरकारी आदेश था, उसके बावजूद निर्भीक भाई का प्यार इतना बड़ा था कि मैं इनको मना नहीं कर पाया। उस सरकारी आदेश की अवहेलना करने के बावजूद मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के बीच में। चार लाइन सुनाता हूँ, आनंद लीजिए। पढ़ बेटा। कितना हसीन देखिए मंजर है हो गया, थोड़ा सा इसका इको हल्का सा बढ़ा देना बस। हाँ, सच बता रहा हूँ, देखो मोदी जी भी कमाल करते हैं। मैं एक टिप्पणी से शुरू करता हूँ। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, अच्छा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो ऐसे ही हमारे बीच में पाक साफ छवि के नेता बैठे हुए हैं, बाबा की उपस्थिति है। नहीं सच में बाबा, मैं चार लाइनें सुनाता हूँ, इतने वो क्यूट की बात कर रहे थे, इतने प्यारे विधायक मैंने पहली बार देखा है। मैं चार लाइनें आपको सुनाता हूँ, बस एक बार आप लोग जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को भी आनंद आता रहेगा। अभी आपने पिछले हफ्ते देखा कि मोदी जी ने कूड़ा उठाया, भाई साहब कूड़ा उठाया तो लोग चिल्लाए, बोले ये कोई प्रधानमंत्री का काम है? तो भक्तों ने धमकाया। हाँ। बोले देखो प्रधानमंत्री हर काम सिंबॉलिक रूप से करते हैं, बाद में जनता फॉलो करती है। इससे पहले उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए दो पेड़ लगाए थे, तब भी भक्त बड़े चिल्लाए थे, बोले ये क्या काम है, दो पेड़ लगाने से पर्यावरण बच जाएगा? तो फिर से लोगों ने समझाया कि बोले देखो ये मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सभी काम सिंबॉलिक रूप से करते हैं। इससे पहले उन्होंने विवाह किया था, तो मामला सच में ऐसा ही है। अच्छा आप लोग मच्छर मार रहे हैं, पीछे कवि की ताली बजा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। आप लोग बस मुझे देखते रहिए और बस सुनते रहिए, चार चार मैं बहुत आप लोगों को आनंद दूंगा। चार लाइन सुनिए, आनंद स्वागत है। कितना हसीन देखिए मंजर है हो गया, कितना हसीन देखिए मंजर है हो गया, जनता की दुआओं में ये असर है हो गया, जनता की दुआओं में ये असर है हो गया, 56 की बात अब तो हो गई है पुरानी, 56 की बात अब तो हो गई है पुरानी, सीने का नाप 370 है हो गया, सीने का नाप 370 है हो गया, सीने का नाप 370। जैसे ही खत्म हुई, जेल में आशाराम बापू ने इक्षाधारी बाबा को मिठाई खिलाई, इक्षाधारी बाबा ने मिठाई खाई और दोनों मिलकर चले गए रामफल बाबा के पास, बहुत अच्छे, उन्हें भी मिठाई खिलाई। हाँ। तीनों मिलकर चले गए राम रहीम के पास, उन्हें भी मिठाई खिलाई। चारों कैदियों ने मिलकर के मिठाई खाई, तो फिर बाकी 37 कैदियों ने पूछा, बोले एक बात बताओ, 370 के खत्म होने पे तुम लोग खुश हो क्यों हो रहे हो? तो बाबा बोले बेटा, जब 370 खत्म हो सकता है तो 76 भी हो सकता है।
और मैं तो सच बता रहा हूँ विधायक जी, मैं तो आ रहा था आपके साथ ही आया हूँ लखनऊ से यहाँ तक। सड़कें इतनी जानदार हैं, मैं एक सलाह यहाँ के सभी पूर्व भूतपूर्व अभूतपूर्व सभी लोगों को देना चाहता हूँ। सरकार बैठी हुई है एक तरह से यहाँ पे, मतलब बैठी का अर्थ वो नहीं है मेरे सामने बैठी है सरकार। मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि कृपया जिस मटेरियल से स्पीड ब्रेकर बनवाते हैं उसी मटेरियल से सड़क भी बनवाया करें। अच्छा है, एक बार स्पीड ब्रेकर बन जाए कभी खत्म नहीं होता। हर सीजन में आपको सड़क बदलनी पड़ जाती है। लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। बिल्कुल महंगाई नहीं है भाई साहब, बिल्कुल महंगाई नहीं है। आप जीटीवी खोलो, 40 रुपए किलो प्याज खरीदो, एनडीटीवी खोलो, 100 रुपए किलो बेच दो। और भारत में मंदी तो दूर दूर तक नहीं है। हम 5 रुपए के नींबू को निचोड़ने के लिए 700 करोड़ की रफाइल ला सकते हैं। दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। कश्मीर की हालत में आपको बता रहा था, पिछले दिनों मैंने एक कांग्रेसी मित्र से पूछा। हाँ। मैंने कहा यार एक बात बताओ, ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां पर मोदी जी नहीं आते हो, बचने के लिए क्या करते हो? बोला जी डिस्कवरी देखते हैं। अब वो डिस्कवरी पे भी आ गए। आप लोगों ने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, 4 लाइन सुनिए। आप लोग बस वोटर होकर के मत सुनिएगा, जनता होकर के सुनिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। स्वागत है, 4 लाइन सुनिए मैन वर्सेस वाइल्ड। हाँ। ये दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर है, जंगल में जाके कोई भी रह सकता है मगर, जंगल में जाके कोई भी रह सकता है मगर, पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर है, पत्नी के साथ। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में। वाह। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। और अगली 4 लाइनें, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजा। अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी को समर्पित। हाँ बेटा। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम, महंगाई कमारा हूँ रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ केजरीवाल की कसम। और आप कहें तो 4 लाइन इसी गोत्र की और सुना दूं। हाँ बेटा, सर सुनाओ। सच्चे यहाँ झूठों में पानी पानी हो गए, सच्चे यहाँ झूठों में पानी पानी हो गए, कल तक जो गुप्त थे वो जाफरानी हो गए, भरपूर जवानी में बुढ़ापे का सुख मिला,
अपने कुमार भैया तो अडवानी हो गए, भरपूर जवानी में बुढ़ापे का सुख में। और मुझे देखकर सीटी बजाने वाले, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। वो धारा 377, पता है ना धारा 377। हाँ। डॉक्टर साहब एक लाइन चेंज कर दी इसकी। हाँ। वो कुछ ज्यादा ही वैसी हो रही थी, लेकिन धारा 377 सुनो, पहली लाइन पे आपको मजा आ जाएगा, चौथी पे आनंद। धारा 377, लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, यही है 377। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून के बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची। और चार लाइनें ऐसी सुना देता हूं जो मुझे पता नहीं सुनानी चाहिए कि नहीं। कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की डोटी चुरा, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की डोटी चुरा गए। और मैं उत्तर प्रदेश की जमीन पर जब भी आता हूं, चार लाइनें मुझे अचानक से याद आ जाती हैं कि यहां पर आजकल योगी बाबा महाराज की सरकार है। हाँ। पहला ही काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ही नहीं होती, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। योगी बाबा से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे, बेटा कहाँ रह गई, कब लौटेगी। अब हालात बिल्कुल उल्टे हैं, अब कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। एंटी रोमियो योगी जी, उत्तर प्रदेश और चार लाइनें, आपको श्रेष्ठ सुनाता हूँ, आनंद लीजिए। उत्तर प्रदेश योगी बाबा, चार लाइनें, आनंद लीजिए। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने। बहुत अच्छे बेटा, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा। पुलिस भी हंस रही है, दो में जमा दो करके 4 भाग देती है, पानी में जैसे ये लगा के आग देती है, यूपी पुलिस की क्या बराबरी करे कोई, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती, मुंह से आवाज करके चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुती कवि हूं जी, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जा, तो मैं ही खड़ा हो गया, बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते।
चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मातु सोजा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बन। वो मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने दो मिसाइलें दे दी, मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं सच बता रहा हूं सब आपको, अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी आई लव यू। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दू। गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 4,000 रुपए 2% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौट आएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौट आएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। हाँ। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा? चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं सच में बोलवा के बिहारी लाल की। चीनी को नहीं, देखो मैं आगे कुछ भी सुनाऊं, इससे पहले आगे से लेकर पीछे तक अवनी फाउंडेशन के तत्वाधान में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आगे से पीछे तक जितने भी लोग हैं सब एक बार जोरदार तालियां इसरो के लिए, हमारी संस्था इसरो के लिए बजाइए। भैया मैं हास्य रस का कवि हूँ, वीर रस के आएंगे तब भारत माता को जगाना। अभी रहने दो। देखिए इसरो के लिए तालियां मैंने इसलिए बजवाई हैं क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अच्छा। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे, तो अपना इसरो से उस दिन का नाता है। हाँ। चीनी को जमा करके फिर से, और मैं तो बहुत दिनों बाद एक ऐसे प्रोग्राम में, धन्यवाद अपनी फाउंडेशन का, ऐसे प्रोग्राम में आया हूँ जहाँ पर महिलाएं इतना खुलकर हंस रही हैं। अच्छा। नहीं तो ये खुलकर नहीं हंसती, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के बेचती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ में सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40, नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली, होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दू। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आए। अच्छा। बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से, हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जी जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। विज्ञान के अध्यापक आ गए। अच्छा। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बन। बहुत पिटेगा, बहुत पढ़ जी। डॉक्टर साहब कह रहे बहुत पिटेगा, हम तो इनको देख देख के कविता लिखना सीखे। लेकिन साहब एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ हंसते हंसाते हुए,
जब बहुत बड़ा कोई वट वृक्ष हो जाता है तो आप लोगों ने कथाओं में, कहानियों में, मुहावरों में, लोकक्यों में सुना होगा कि किसी भी वट वृक्ष के नीचे कभी भी छोटी छोटी घास, छोटे छोटे पौधे नहीं उगते हैं। लेकिन इस बात को एक व्यक्ति ने झूठ साबित कर दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास जब अपने सामर्थ्य पर पहुंचे तो उन्होंने लोगों को तराशना शुरू किया और नए नए लोगों में तमाम नाम, चाहे आज हेमंत पांडे हो, अमन अक्षर हो, चाहे मैं खुद हूँ, वो इतना ज्यादा लोगों को प्यार करते अपने छोटे आने वाली पीढ़ी को, चाहे हमारे भाई जिन्होंने इतने अच्छे शेर पढ़े, कमाल के शेर पढ़े, उन सबको इतना प्यार देते हैं। आज की तारीख में इन्होंने जो नई पीढ़ी के लिए किया है, आप सब जानते हैं इस बात को। जब इनका केवी सम्मेलन शुरू हुआ तो उसके शुरुआती 5-6 एपिसोडों में जो सारे कवि बुलाए गए वो देश के वो चेहरे थे जिनको पहचान की जरूरत थी, और वहां से जब पहचान मिली तो आज की तारीख में हेमंत पांडे विदेश से आप लोगों के बीच में आते हैं, वो वहां से कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। ये तारीफ डॉक्टर साहब की मैंने इसलिए कर दी क्योंकि मुझे इनके साथ दिल्ली तक जाना है। मैं बिहारी हूं, मूर्ख थोड़ी हूं। चीनी को तो जमा कर लूंगा भाई साहब। मैं तो आजकल सच बता रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। दुनिया भर में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो समस्या का समाधान करें। हम दिल्ली वाले, हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है। हमारा दूर दूर तक कहीं कोई मुकाबला नहीं है। चार अंतिम लाइनें सुनाता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। समय की अपनी सीमाएं हैं और सचमुच आप लोगों ने जो प्यार दिया वो मेरे पास धरोहर के रूप में सुरक्षित है। चार लाइनें जो मुझे सर्वाधिक पसंद है। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छाटता हूँ मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी। आभार, धन्यवाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां शंभू के लिए बजा दीजिए भाई, क्या बात है।